वाहेगुरु जी की फतेह। हम सब लोग के लिए बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहब की 400वीं जयंती जो होगी उसके अवसर पर एक संदेश यात्रा 9 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक निकलेगी। इस यात्रा की रूपरेखा के लिए आज जो है रायपुर ग्रीन में एक संत समागम हुआ, एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें पूरे प्रदेश भर के लोग आए थे हमारे बीच में और सबने अपने अपने विचार रखे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं चरणजीत सिंह गंभीर, सिख संगठन छत्तीसगढ़ का बिलासपुर का जोन प्रमुख हूँ। मैं आज महेंद्र वीर जी और सुरेंद्र वीर जी के आह्वान पे जो अभी 400 साल यात्रा निकलने वाली है उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसको अंतिम रूप देने के लिए इकट्ठे हुए थे और आज प्रायः प्रदेश के सभी जगह के लोग उपस्थित हुए और एक अच्छे वातावरण में कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया और सभी लोगों में पूरे छत्तीसगढ़ के सिख समाज में बहुत जोश है इस यात्रा का और सभी लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अपनी अपनी तैयारियों के बारे में उन्होंने बताया भी है और जो यहाँ से मार्गदर्शन लेना था उन्होंने लिया भी है और ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा रहेगी। इसका जो यात्रा का स्वरूप है पूरे विश्व में इसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह। छत्तीसगढ़ सिख मीडिया चेयरमैन जसवीर सिंह चाहल। आज जो ये प्रोग्राम जहाँ बैठक हुई है इसमें 400 साल शताब्दी समारोह मना रहे हैं जो कि एक साल से लगे हुए थे। गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी समारोह एक साल से लगे हुए थे पर बीच में कोरोना काल के नाम से नहीं हो पा रहा था और अभी दोबारा एक बार चालू हुआ तो अभी मतलब हम लोग बहुत उत्साह संगत में और लही दुर्ग की सिख संगत बहुत उत्साह के साथ इस चीज को उड़ीक कर रही है। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। क्या नाम है आपका? सुच्चा सिंह रंधावा जी। कहाँ से आए हैं? सिख यूथ फोरम भिलाई। क्या कहेंगे जी? बहुत ही बढ़िया उपराला है ये और गुरु तेग बहादुर जी की मेहर है कि इतना बड़ा उपराला इसको संभालना आगे चलाना बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रायपुर वासियों का और पूरी पूरी टीम का इनका। बहुत अच्छा काम है तो देश को बताना चाहिए कि हमारे सिखों ने क्या कुर्बानी दिया हमारे देश के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मजीत सिंह सलूजा, मैं बस्ता से। क्या कहेंगे ये जो उपराला हो रहा है इसके बारे में? ये हमारे छत्तीसगढ़ सिख समाज का बहुत बड़ा उपराला है। ये पिछले समय हो जाना चाहिए था लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो पाया था और इस संदेश यात्रा को पूरा करने के लिए आज रूपरेखा तैयार की गई है और हमारे यहाँ 17 तारीख को बसना ये यात्रा पहुँचेगी और वहाँ हम इसका अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। नाम बताओ। हरजीत सिंह खदूजा बेमित तरह से। हम लोग यहाँ आज 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का जो साल यात्रा निकल रही है उसके लिए आए थे तैयारी के लिए और ये यात्रा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी का संदेश लेके जाएगी जिससे क्या उन्होंने क्या बलिदान दिया ये हम तो जानते हैं, जो यहाँ की भोली भाली जनता है वो इस संदेश यात्रा से जानेगी कि यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने पूरे हिंदुस्तान में क्या संदेश दिया और कैसा उन्होंने बलिदान दिया। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? गुरनाम सिंह छत्तीसगढ़ सिख पंचायत से हूँ। मैं ध्रुव भिलाई से आया हूँ, गुरनाम सिंह छत्तीसगढ़ सिख पंचायत महासचिव। और जैसे कि रायपुर समाज के द्वारा ये प्रोग्राम किया जा रहा है, बहुत सराहनीय प्रोग्राम है, 400 साल का प्रोग्राम और हम सब बहुत हर्षित है कि ये प्रोग्राम जो है पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है और ये संदेश जो है यही है कि जन जन तक उनकी जो उनका संदेश था गुरु जी का वो जन जन तक उनका संदेश पहुंचाना है, ये इनका मकसद है। मैं नरेंद्र सिंह छाबड़ा कोरबा। ये 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो 400 साल में मनाई जा रही है ये सभी के लिए, आज इनको हिंद की चादर कहा जाता है। इनकी जो शोभा यात्रा निकल रही है उसके उपलक्ष्य में जो ये सेमिनार आयोजित किया गया है बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विशाल समागम हुआ है और जो यात्रा निकलने वाली है उसमें सभी प्रांत के, सभी भाषा के लोग, सभी व्यक्ति आए और इस संदेश यात्रा का आगे बढ़ चढ़ कर हार्दिक दिल से स्वागत करें। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है? मैं पुलिंदर सिंह खोखर कोरबा से। जो यात्रा के संबंध में तो इन्होंने बता दिया है, जो आयोजन यहाँ जो महेंद्र सिंह छावड़ा जी और सुनील छावड़ा जी ने किया है बहुत ही अच्छा और उच्च स्तर का किया है, उससे हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम? मैं अंबिकापुर से महेंद्र सिंह टुटेजा।
और विशेषता आज हम लोग इसी सेमिनार के लिए आए हैं। यह मौका है आज 400 साल गुरुदेव के प्रकाश पर्व पे कि गुरुदेव का जो रूहानियत थी, जो जीवन था उनका, वो पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायी है। निसंदेह अगर दूसरे ढंग से देखा जाए तो आज हिंदुस्तान की मंदिरों पे जो तेल जल रहा, नदियां जल रहा है, वो अगर के इतिहास पढ़ा जाए तो गुरु तेग बहादुर का लहू जल रहा है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस धर्म देश को बनाया। लेकिन सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं अपितु पूरे धर्मों के, सब धर्मों के रक्षक थे गुरु तेग बहादुर, सब धर्म की चादर। बहुत अच्छी बात है। मैं हरजिंदर सिंह हरजू गुरुद्वारा नानक सागर गढ़फुल्लर से हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ सिख समाज द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया, सभी पूरे छत्तीसगढ़ समाज के लोगों को बुलाया गया, सभी समाज में खुशी की लहर है। और जो 400 साल गुरु यात्रा जो गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर निकल रहा है, इसके लिए पूरे समाज एकजुट होकर के तैयारियां के लिए आज बैठक रखी गई थी, जिसमें बहुत खुशी कि मैं महीपाल सिंह हूँ, ग्राम गढ़फुल्लर से आया हूँ। गुरु नानक जी का जो जगह बन रहा है वहाँ पर हमें इतनी खुशी है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 वर्ष का जो यात्रा निकलेगी, हम चाहते हैं कि हमारे यात्रा जो है हमारे बसना गढ़फुल्लर से निकलेगी, ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमें यहाँ के बहुत खुशी प्राप्त होगी। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम लिखते हैं सर? जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह बंटी है, ग्राम गढ़फुल्लर का हूँ मैं। जी जी। और इस कार्यक्रम में बहुत खुशी हो रही है हमें, और ग्राम गढ़फुल्लर में गुरु नानक देव जी का निर्माण स्थल कार्य चल रहा है ना। जी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? ये राजू भाई। आप क्या कहेंगे? मैं ग्राम गढ़फुल्लर से हूँ। जी जी। गुरु नानक सागर में जो गुरुद्वारा बनने वाला है, छाबड़ा जी का बहुत योगदान है, और आज का प्रोग्राम में 400 साल जो संदेश यात्रा की है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छी बात है भाई। ये 400 साल की संदेश यात्रा जो निकलेगी, ये अगर गढ़फुल्लर से भी अगर निकले वो या आए उधर सम्मान करें तो हमको बहुत खुशी और अति खुशी होगी। और ये क्या है, बसना से होगी तो बसना से भी हम वो संदेश यात्रा को स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मैं जोरावर सिंह सराईपाली से। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल हम मना रहे पर्व, आने वाले 100 साल के बाद 500 साल बनाएंगे, पता नहीं किस्मत में हमारे है कि नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से बड़ा उत्साह दिख रहा है, सारे लोगों के साथ में उत्साह दिख रहा है कि इतना उत्साह है, ये 400वीं जयंती के अवसर पर जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति कौर। जी ज्योति जी, क्या कहेंगे ये 400वीं साल जयंती हमारे बसना में नगर कीर्तन के रूप में आ रही है, उसका बहुत स्वागत करेंगे सिख समाज। बहुत अच्छी बात है कि सिख समाज पूरा जो है एकजुट हो रहा है। 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक की जो यात्रा निकलेगी, निश्चित रूप से गुरु जी का उन पे आशीर्वाद रहेगा, उस पे मेहर रहेगी। मैं तपेश जैन रायपुर ग्रीन से नरेंद्र ठाकुर अंटू के साथ में, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ और वाहे गुरु जी की जय।